चेटी चंद महोत्सव को लेकर पूज्य लाल साहिब मंदिर सेवा ट्रस्ट झूलेलाल धाम दिल्ली गेट पर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में चेटी चंद महोत्सव को किस तरह से हर्षोल्लास के रूप में मनाया जा सके और चेटी चंद जुलूस किन किन मार्गों से होते हुए गुजरेगा और इसमें किस तरह की व्यवस्था होगी, इसे लेकर पदाधिकारियों ने चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली गेट झूलेलाल मंदिर से जुलूस रवाना होगा जो विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरेगा। कई स्थानों पर जुलूस का स्वागत होगा। इसमें कई विशेष सुंदर झांकियां भी इस बार लगाई जाएगी। विगत 2 सालों से कोविड-19 महामारी के कारण जुलूस नहीं निकल पा रहा। ऐसे में सभी सिंधी समाज के युवाओं में लोगों में इस वर्ष काफी उत्साह है और सभी इस जुलूस की तैयारियों को लेकर जुट गए हैं। इस मौके पर सिंधी पंचांग का विमोचन भी किया गया। आज चेटीचंड महोत्सव जो पूजलाल साहब मंदिर चार ट्रस्ट की ओर से मनाया जा रहा है, उसके तत्वावधान में मनाया जा रहा है और मेला कमेटी के जो हमारे साथी हैं उन सबकी एक आम बैठक रखी थी। इस बैठक में हमारे समाज की जो सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यावसायिक, अन्य तरह की पंचायतें उनके प्रति ये सब लोगों को आमंत्रित किया गया। इस बैठक में जलोस मार्ग के ऊपर चर्चा हुई और झांकियों के ऊपर चर्चा हुई कि किस प्रकार हम शहर को सुंदर झांकियां दे सकें और उसी के संदर्भ में जहां पर जो इस बार एलिवेटेड रोड बन रहा है तो हमने जो रूट निर्धारित किया गांधी बाजार से सीधा अंदर लेने का, उस पर चर्चा हुई और भविष्य में हमें किस तरह से काम करना है उस पर चर्चा हुई। कुल मिला के हमने निर्णय लिए कि शोभा यात्रा को दिल्ली गेट से झूलेलाल धाम से प्रारंभ करके महावीर सर्किल, आगरा गेट, नया बाजार, चूड़ी बाजार, मदार गेट, अपने सिराका और थाना, पानदरीबा, पड़ाव, केसरगंज, संत कंवराम धर्मशाला, केसरगंज सर्किल, दूसरी गेट, त्रिलोक नगर, आशागंज, राजेंद्र स्कूल, हॉस्पिटल, सिंधुवाड़ी, गुरु नानक कॉलोनी और गुरु अपने नानी का बेड़ा और उसके बाद अलानी दरबार, हेमू कलानी चौक, विधवानी मार्केट, अपने मैजिस्ट्रेट ताकि गवर्नरपुरा और मदार गेट, जना बाजार, दरगाह बाजार, दिल्ली गेट होके गंज गुरुद्वारे पे शोभा यात्रा का समापन। आपका नाम? जय किशन पारवानी, संयोजक मेला।